नमस्ते दोस्तों, टेकमेक चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है इलेक्ट्रिकल के ऊपर है, हाउसहोल्ड डिवाइसेस एंड अप्लायंसेस। घर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रहते हैं, होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ये सबके पूरे नॉलेज आपको होना चाहिए। इसके लिए ये वीडियो मैं बनाया। बहुत से मालूम नहीं रहता बच्चों लोगों को क्या क्या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में क्या क्या आते हैं, हाउस होल्ड डिवाइस कौन से रहते हैं। इसके लिए मैं छोटा सा वीडियो बनाया, आप एंड तक देखिए तो आपको पूरे नाम आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ। इसके बाद आपको अगला वीडियो आपको मिलेगा, इसके फोटो आपको अगर फोटो देखने का है तो आप दूसरा वीडियो में आप फोटो भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं होम अप्लायंसेस लिस्ट। सबसे पहले आपके सभी के घर में वाटर प्यूरिफायर रहते हैं, इसके बाद वैक्यूम क्लीनर, ये वैक्यूम क्लीनर डस्ट निकालने के लिए यूज किया जाता है, वाटर प्यूरिफायर वाटर फिल्टर करने के लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिकल फैन ये कॉमन सबके घर में रहता है, एयर कंडीशन ये बहुत से लोगों के घर में एयर कंडीशन रहता है, इसके बाद ओवन, आजकल ओवन भी बहुत से पब्लिक यूज करते हैं, ओवन का भी आपको मालूम होना चाहिए, टेलीविजन ये तो कॉमन चीज है, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन ये भी कॉमन चीज हो गया, रेफ्रिजरेटर ये रेफ्रिजरेटर भी कॉमन है, और वाटर कूलर, पानी कूलिंग करने के लिए वाटर कूलर यूज के लिए, मिक्सर घर के अंदर मिक्सर ज्यादा यूज होता है, कॉफी मेकर कॉफी बनाने के लिए इलेक्ट्रिकल का, इसका भी आपको मालूम होना चाहिए, ब्लेंडर ब्लेंडर भी किचन के अंदर यूज किया जाता है, बाद में टोस्टर और माइक्रोवेव, इसके बाद राइस कुकर, इलेक्ट्रिकल के ऊपर राइस कुकर रहता है, प्रेशर कुकर ये हमेशा आप यूज करते होंगे, स्टोव, देन लैंप, लाइट बल्ब, इसमें ट्यूबलाइट एलईडी बल्ब सब आते हैं, इसके बाद टॉर्च, इलेक्ट्रिकल टॉर्च भी मिलती है, ये क्लॉथ आयरन है, इसके बाद इलेक्ट्रिकल ड्रिल, ये तो आपने देखा ही है इलेक्ट्रिकल ड्रिल किसे कहते हैं, कैटल्स और डिश वॉशर, ये बहुत से लोगों के पास नहीं रहता, डिश वॉशर मीन्स बर्तन साफ करने का मशीन, इसे डिश वॉशर कहते हैं, इसके बाद स्पीकर ये सबको मालूम है, इसके बाद इलेक्ट्रिक गिटार रहता है, गिटार जो गाने गाने बनाते हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक चलने वाला गिटार रहता है, रॉक पॉट ये भी आपको मालूम नहीं रहेगा रॉक पॉट क्या रहता है, ये पॉट रहता है गर्म रहने के लिए, वो पॉट रहता है इलेक्ट्रिकल का, तो इसे रॉक पॉट कहते हैं, इसके बाद इवेपोरेट कूलर, इवेपोरेट कूलर आपने भी इसका फोटो आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा किस तरह से इवेपोरेट कूलर रहता है, तो ये इतने होम अप्लायंस में आते हैं, अगर आपको इनके फोटो देखने का है तो आप नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिए, ऐसे अलग अलग इलेक्ट्रिकल की भी वीडियो आपको रोज मिलेंगे हमारे टेक्समैक चैनल के ऊपर, और हमारा टेक्समैक चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए और बेल बटन दबाइए, तो आपको रोज नए नए वीडियो को जानकारी मिलती रहेगी। आपने यह वीडियो पूरा देखा इसलिए धन्यवाद, थैंक यू।